हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम का अचार बनाने की रेसिपी। आज मैं आपके लिए आम का अचार इतनी सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ जिसे आपको ना तो 2 से 3 दिन चराने की टेंशन होगी और ना ही सुखाने का झंझट, बस झटपट आप घर पर आम का स्वादिष्ट अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के आम के अचार बनाने की रेसिपी। आम का अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर कच्चे आम, मींस कैरी। मैंने इन कच्चे आमों को पहले से ही धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, तो आप भी इन्हें धोने के बाद ही यूज़ करें। वेट से मेज़र करने पर मैंने यहाँ पर 600 कच्चे आम लिए हैं। एंड इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। एंड मैंने लिया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर कच्चा तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे हल्का सा गर्म करके ठंडा कर लें, उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हींग। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हींग यूज़ की है। अगर आपको हींग का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इन कच्चे आमों को ले लेंगे और इन्हें इस तरीके से छील लेंगे। आप किसी भी कटर की हेल्प से इन्हें इस तरीके से छील सकते हैं। याद रखें कि आज जो हम आम का अचार बनाने वाले हैं इसकी जो सेल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आप इसे मैक्सिमम 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इस आम के अचार को स्टोर करके ना रखें। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इन सभी कच्चे आमों को अच्छे से छील लिया है। इन सभी कच्चे आमों को छीलने के बाद अभी हम कोई भी एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें कि इन आमों को अच्छे से कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आम ले लेंगे और इसे इस तरीके से कट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐसे कच्चे आम लिए हैं जिनमें के जाल नहीं पड़ा है और उनकी गुठलियाँ भी नहीं पकी हैं, तो जिससे ये ईजिली कट जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इन्हें बीच से काटूंगी। अगर आप जाल वाले आम, मीन्स पकी हुई गुठली वाले आम यूज़ कर रहे हैं, तो आप उन्हें साइड से कट कर लें। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो मैं अभी इस तरीके से इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। आप इन्हें चाहें तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी आमों को हम कट कर लेंगे। तो अभी मैंने सभी कच्चे आमों को इस तरीके से कट कर लिया है। सभी कच्चे आमों को कट करने के बाद अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये जो अचार है देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। आपको इसमें जो सरसों का तेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। मिला देंगे इन सभी चीज़ों को। आप चाहें तो इन्हें इस तरीके से स्पून की हेल्प से भी मिला सकते हैं, बट उसके लिए आपको कोई भी एक बड़ा बर्तन लेना होगा जिसमें ये इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो अभी मैं तो इन्हें इस तरीके से मिलाने वाली हूँ जिससे ये और भी इजीली मिल जाएंगे और इनमें सभी मसाला अच्छे से आपस में मिल जाएगा। तो अभी मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट यानी कि हींग। हींग को भी मिला देंगे इसमें। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और ये जो अचार है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसमें हींग ज़रूर ऐड करें। अभी मिला देंगे एक बार इन सभी चीज़ों को। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो अचार है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट की हेल्प से ढककर रख देंगे और अभी हम इस अचार को 2 दिन के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। 2 दिन के बाद आप इसे चेक करें। याद रखें कि आपको इस अचार को बीच बीच में चलाते रहना है, तो इन 2 दिनों में आप इसे 2 से 3 बार अच्छे से चला दें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये जो आम का अचार है वो कितने आसानी से बनकर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं इससे ये जो ऑयल है वो भी एकदम अलग हो रहा है। तो अभी मैं आपको इस अचार को इस तरीके से काट कर दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आम का अचार है वो खाने के लिए एकदम तैयार है। तो है ना फ्रेंड्स, घर पर ही आम का अचार बनाना कितना आसान। तो अभी हम इस आम के अचार को एक कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। मैं इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।